यस सो वेरी वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स हाय सारे के सारे मेरे मिनियंस कैसे हैं आप लोग सो so, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो और मुझे देख पा रहे हो फटाफट से चैट बॉक्स भर दो आई एम गन बी लुकिंग इन द चैट नया सेटअप सो so, लैपटॉप का कर दिया है टाटा बाय बाय वी आर गन बी राइट नाउ ऑन वेदांत जय चैनल आज से शुरू कर रहा हूँ मैं आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस देना ठीक है सो एनी हाउ अब मुझे आप लोगों की चैट जो है वो भी बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से दिखने वाली है सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाई टू ऑल द स्टूडेंट्स आई एम एबल टू सी समर्थ है हमारे साथ वी हैव अंकित वी हैव अंकित यस प्रिया एंड वी हैव दीक्षा एंड हु एल्स कम ऑन चैट थोड़ी सी स्लो है फटाफट -फड़ से तेजी बढ़ा दो चैट पे यस ऑसम दैट्स ग्रेट सो हाउ आर यू डूइंग आज की क्लास में हम करने वाले हैं हाइड्रोजन चैप्टर के ऊपर मेंटी क्विज अभी तक जितने स्टूडेंट्स ने पिछली की क्लासेस पिछली क्लासेस मिस कर रखी हैं डोंट वरी आगे क्लास के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी प्लेलिस्ट बनी हुई है इस पर्टिकुलर चैनल पे और आप वहां पे जाके उसको चेक कर लेना चेक करने से क्या होगा आपको सारे के सारे जितने भी सेशंस हैं वो बैक टू बैक मिल जाएंगे अवेलेबल आपको कोई सा भी चैप्टर पढ़ना है क्लास इलेवेंथ का आप कर पाओगे याद रहे हर सर आप लोगों के लिए क्लास ट्वेल्थ का पूरे का पूरा सीरीज लेकर आए और मैं आप लोगों के लिए क्लास इलेवेंथ का ठीक है सो so, अगर जो भी स्टूडेंट्स अभी जेई मेन्स टू देना चाहते हैं और क्लास इलेवेंथ के टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं आप लोग वो भी कर पाओगे और जो क्लास इलेवेंथ में ही है अभी स्टूडेंट्स वो हमेशा मेरे साथ बने रहे ताकि पूरी की पूरी जो तैयारी है जेई मीनस टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के लिए वो पूरी की पूरी टाइम टू टाइम होती रहे है कि नहीं सो येस नाउ आई कैन सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सो हाई ए के फोर्टी सेवन हाई रुपेश हाई प्रशांत एंड वी हैव अनमोल नमस्ते टू अनमोल and megna i am doing absolutely great you do have to let me know in the chat how are you doing and we have rashika and about electrochemistry of class 12 definitely don't worry electrochemistry class 12th ki bhi hone wali hai aur bhi pata hai bahut amazing cheeze aane wali hain ab se is particular channel pe कैसे Because anyhow, we are gonna be bringing up something very special. स्पेशल एक नई सीरीज के तरीके से हम कुछ ना कुछ चालू करने वाले हैं अभी मैं अपना मुंह बंद रखूंगा उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे बट ये देर इज गोना बी अ सेशन वेयर अ न्यू टीचर इज गोना कम ऑन वेदांतु जय चैनल एंड उसके बाद हम आप लोगों के लिए एक कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ नया नया चालू करने वाले हैं सो यू जस्ट हैव टू स्टेट यू फोर दो न्यू ऑन द चैनल यू डेफिनेटली हैव टू सब्सक्राइब क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन और अपडेट्स कैसे पता चलेंगी कौन कौन से सेशंस आ रहे हैं कौन कौन से लाइव सेशंस हैं कुछ मिस ना कर दो इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी रहेगा एंड जितने स्टूडेंट्स यू नो थंबनेल या फिर टाइटल uh, को पढ़ के आ रहे हैं आई एम श्योर यू नो इट्स गोना बी अ मेंटी क्विज तो मेंटी क्विज चालू करने वाले हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर बट बिफोर वी स्टार्ट हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली एक्साइटेड टू हैव अ मेंटी क्विज राइट नाउ लेट्स सी एंड फॉर दोस दो जस्ट न्यू याद रहे मैं हर फ्राइडे को एक मेंटी क्विज लेकर आता हूं जॉन जॉन से मैं चैप्टर्स को टॉपिक्स को आप लोगों के लिए यहां पे लाइव

फॉर विच सब्जेक्ट इट्स गर्म बीफॉर मैथमेटिक्स ठीक है सो यस एंड आई कैन सी रुपेश गिविंग अगर आप लोग एक्साइटेड हो मेरे सारे के सारे मिनियंस अगर एक्साइटेड हैं तो यू डू है चैट ठीक है मुझे हंसते खेलते मिनियंस बहुत पसंद है यू नो अगर हम बात करें डेस्पिकेबल मी एज अज की इट्स अ रियली गुड सीरीज सो एनी हाउ मैं हमेशा तुम लोगों को मिनियंस की तरह देखता हूँ एंड यस मिनियंस तो कभी अच्छे लगते नहीं है, है ना हमेशा स्माइलिंग हमेशा एनर्जेटिक हमेशा बबली हमेशा नॉटी पसंद आते हैं राइट सो यस अगर आप लोग इनमें से कोई भी क्वालिटी रखते हो सो यू डू हैव टू गिव मी ऑन द चैट एंड यस आई एम एबल टू सी प्रियांश अस्थाना इज द फर्स्ट स्टूडेंट गिविंग मी स्मिंग स्माइलीस को अगर आप बरकरार रखोगे मेरे के अंदर आई एम बी टेकिंग अप योर नेम्स पता स्माइलीज डालने से होता क्या है इमोजीज ठीक है मैं स्माइलीज बोलता हूं तो स्माइली जाने से होता यह है कि जब भी मैं चैट को देखता हूं तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखते हैं राइट और वो कलर्स कैच करते हैं आप जो चीज कहना चाहते हो आप जो बात कहना चाहते हो और तब चैट पे ज्यादा नजर जाती है तो अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों से कनेक्टेड रहूं चैट पढ़ता रहूं तो आप लोगों ने क्या करना है चैट में एक्टिव रहना है और रंग बिरंगी चीजें डालती रहनी है ठीक है आई एम श्योर

तो अभी जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में वो बहुत ज्यादा बेसिक है तो एक्सपेक्टेशन हम ये लेके नहीं चलेंगे कि आज तो बहुत यू you नो know, तोड़ क्वेश्चन आज बहुत बेसिक होंगे बट उनको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आज के क्वेश्चन में टर्मिनोलॉजी बहुत सारी होने वाली है ठीक है तो यस सो विद दिस वी स्टार्ट रियली सून एंड जो स्टूडेंट नए हैं बस ये रेड कलर का बटन आप लोगों ने दबा देना है बेल आइकन को दबा देना है प्रेस ऑल ताकि नोटिफिकेशन सारी के सारी आते रहे बट मुझे पता है एट दी एंड आप लोग करी दोगे और लाइक अटेंडेंस के लिए जरूर से चलो सुनाओ ओवर बिफोर वी स्टार्ट बस कुछ एक्साइटमेंट और बिकॉज यू नो वॉट विधांतु इस बारी भी फोड़ चुका है सारे के सारे रिकॉर्ड पिछली बारी से भी और ज्यादा अच्छे रिजल्ट आए हैं वेन इट कम्स टू जेई एडवांस एंड आई एम बी टेकिंग अप यू यू नो नो दिस टाइम टू टू से स्पीक अप सम नेम्स एंड देर रैंक्स जिन स्टूडेंट्स ने जेई एडवांस -E को क्वालिफाई किया है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन के भरोसे सो लेट्स टॉक अबाउट एंड टेक देयर नेम्स सो ओवर हियर वी आर गोना टॉक अबाउट ध्रुव फ्रॉम मुंबई हैविंग द रैंक 43 एंड देन वी आर गोना टॉक अबाउट वी हैव माधव 208 वी हैव तन्मय 227 वी हैव अक्षत 290 एंड देन वी हैव पांड्या 482 एआईआर लेट्स हैव मोर थोड़े से तो और है बहुत सारे हैं सिर्फ थोड़ों थोड़ों के नाम लिखे हुए हैं यहां पे बट लिस्ट अभी भी चलती जा रही है और चलती जा रही है के 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 पास 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 है 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 अभी यश अगर कहीं भी भी वीडियो देख रहे हो, तो फटाफट से अपनी फोटो भेजो ठीक है चलो सुनाओवर इन टॉप फाइव हंड्रेड रैंक एंड इलेवन इन टॉप थाउजेंड फोर्टी फोर इन टू थाउजेंड 121 इन टॉप 5000 AIR ए आई एंड टू इन टॉप 10000 AIR इतने नंबर विधांतों ने पाए हैं उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो स्टूडेंट्स इंटायरली एंटायरली विधांतों पे पढ़ाई कर रहे थे ठीक है सो यस लेट्स गेट स्टार्टेड ओवर हियर मेंटी कोड मेंटी कोड की बारी सो so www.menti.com कितने स्टूडेंट्स खोलकर बैठे हैं अगले टाइप में देखो YouTube को बंद नहीं करना है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेरे पुराने हैं हैं वो जानते हैं। YouTube को अगर बंद किया तो क्वेश्चन मेंटी पे दिखने से पहले YouTube पे जो दिखा होगा वो आप लोगों को नहीं पता चलेगा सो so यस yes, आप लोग अगर क्वेश्चन पे अपर हैंड पाना चाहते हैं तो YouTube पे क्वेश्चन देखते रहना और मेरे साथ चैट पे एक्टिव रहना तो दो तीन चीजें करनी है आप लोगों ने एक ड पर जितने भी अनशंट यूजर नेम होंगे आप लोगों ने मुझे बताना है कि कौन सा यूजर नेम आपका है दूसरी बात अगर आप लीडर बोर्ड पर नहीं हो तो आप लोगों ने फिर भी मुझे बताना है आपकी रैंक क्या है ताकि हम वक्त के साथ देखेंगे कि क्या आपकी रैंक इंप्रूव होती है आज की जो मेंटी क्विज होने वाली है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव होगी बिकॉज क्वेश्चन बहुत ज्यादा ईजी है सो so ये बात ध्यान रहे सो द मेंटी कोड ओवर हेयर इज यहां पर है फाइव जीरो टू सेवन सेवन थ्री फाइव जीरो टू सेवन सेवन थ्री फटाफट से इस मेंटी कोड को अप्लाई कर दो फिर मुझे फटाफट से चैट पे यो देना है ताकि मैं फिर मेंटी कोड यू नो में चालू कर सकूं ठीक है आई एम वेटिंग फॉर योर गो तो फटाफट से फाइव जीरो टू सेवन सेवन थ्री इज गनबी योर मेंटिकोड सो लेट्स कितने जल्दी आप मुझे यो भर सकते हो यू you नो know, दे सकते हो चैट पे सो राकेश प्लीज इंग्लिश सर ज्यादा से ज्यादा चीजें हिंदी में रहेंगी आई एम सो सॉरी अबाउट इट बट नेवर दिलेस आई ट्राई टू कीप थिंग इन इंग्लिश एनी हाउर वट एवर थिंग्स अर गन वी ऑन द स्क्रीन इज गन वी इन इंग्लिश ठीक है सो येस समर्थ इज द वन गिविंग मी यो सबसे पहले ज्वाइन दैट्स ग्रेट समर्थ एंड ओवर हेयर वी आर एबल टू सी अब्दुल्ला एज वेल श्रीनिवास इज रेडी आई थिंक श्रीनिवास हैड बीन देयर इन द प्रीवियस क्विजेज एज वेल समर्थ तो रहता ही है अंजलि देव देवीर यस एंड प्रकाश, आई एम श्योर आर रेडी बी 2004, सर आई एम स्टूडेंट ऑफ जे बैच वेलकम वेलकम टू दिस रशिका इज आसिंग कैसे अप्लाई करना है प्लीज रिपीट सर सो अप्लाई कैसे करना है www.menti.com पे जाना है बड़ी छोटा सा नाम है जैसे youtube.com होता है वैसे menti.com है ठीक है इसके लिए एक नया टैब खोल लेना और उसके बाद आप लोगों ने इस कोड को एंटर करना है वहां पे बड़ा बड़ा लिखा आ रहा होगा कोड को डाल दो कोड को डाल दो बस कोड को डाल देना और उसके बाद आप लोग लॉग इन कर पाओगे बस लॉग इन कर दिया एक यूजर नेम लिखना होगा एक इमोजी बनाना होगा तो कर लो सो यस आई एम एबल टू सी एवरीबडी इज ज्वाइनिंग सो अंजलि इज आंग आई वॉन्ट टू गेट इन टू आई आई सी टू इट्स एन अमेजिंग कैंपस उसके बारे में भी हम बातें फिर कभी किसी सेशन में अच्छे से करेंगे बट येस आई आई सी गेटिंग इन टू आई आई सी इज अ गुड ड्रीम एंड विच इज अचीवेबल एज वेल सो यस आई एम श्योर इफ यू आर गु नो बी वेरी पॉजिटिव अबाउट हाउ टू स्टार्ट योर सिलेबस हाउ टू कवर इट आई एम श्योर यू विल गेट इन टू इट ठीक है सो ना ओवर ही क्वेश्चन दिखाने से पहले इसके बाद तो सीधा क्वेश्चन आ जाएगा तो क्वेश्चन को दिखाने से पहले मिन्टी डॉट कॉम पे चलते हैं मेरे को भी तो जाना पड़ेगा है ना सो so यहाँ पे लेट्स हैव And let's see how many students have been joining. Okay. Let's see. कुछ तो हो रहा है यस ओके सो ओवर here क्वेश्चन ठीक है ठीक है मुझे लगा क्वेश्चन नंबर 1 चालू हो जाएगा भैया ऐसा तो नहीं होना चाहिए सो यहां पर आई एम एबल टू सी 36 students have joined. सिर्फ 36, सिक्स बट कोई बात नहीं इसी के साथ चालू रखेंगे आई एम एबल टू सी स्टिल नंबर्स आर इंक्रीजिंग 38, 39, चलो चालीस तो करो चालीस के बाद पैंतालीस का कर देंगे है ना सो फोर्टी हो गए फोर्टी का रख लेते हैं सो हाउ मेनी कितने स्टूडेंट्स ज्वाइन करने वाले हैं गौतम इज संगीरो कौन सी साइड पे एम ई एन टी आई डॉट सी ओ एम बस सिंपल सी कहानी है यहां पे बस फाइव जीरो टू सेवन सेवन थ्री इज द कोड दैट यू हैव टू अप्लाई दैट्स इट सो यस आई एम क्राउन समर्थ कह रहा है मैं हूं क्राउन वाओ बढ़िया सो वर ऑल यू नो शेप्स एंड थिंग्स हैव यू गॉट अप ये डॉगी कौन है और ये स्पाई कौन है और ये बॉल कौन है डू लेट मी नो ऑन द चैट एज वेल ठीक है सो समर्थ ने तो बनाया है क्राउन ग्रेट ऑसम सो नाउ लेट्स गेट इन टू द फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन देखेगा आपको यूट्यूब पे राइट सो वो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास टॉक्स अबाउट Most abundant isotope of hydrogen is most abundant hydro isotope of hydrogen is. Okay. So now let's get into this one. Okay, Shiri is saying I am elephant. Okay, The question is going to be there in, in front of you. You do have to you know give me your answer as soon as possible. मैं हट जाऊंगा फॉर जस्ट ज्वाइनिंग ऑन यू फटाफट से मेंटी डॉट कॉम पर चले जाओ ताकि आप इस पर्टिकुलर क्विज में पार्टिसिपेट कर सको यू हैव टू यूज द मेंटी कोड इज में फाइव जीरो स्टूडेंट्स ने मुझे दिया है करेक्ट आंसर एंड ट्वेंटी फोर ऑफ यू आर करेक्ट ये ड्यूटेरियम को क्या हो गया ड्यूटेरियम वाले बच्चे गलत क्यों हो रहे हैं यहां पे ये अगर मिसक्लिक है यू डू हैव टू लेट मी आपने मिसक्लिक यू नो अगर एक गलती से मिस्टेक कर दी है तो गलती से मिस्टेक लिख दो चैट में बट नेवर दस इसको समझना बहुत जरूरी है ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है व्हेन इट कम्स फ्रॉम द चैप्टर हाइड्रोजन तो लीडर वो देखने से पहले सोल्यूशन सो ओवर हेयर पे टेंशन वेन बी गोना टॉक अबाउट द करेक्ट आंसर व्हिच इज गोना बी गिव मी सेकंड प्रोटीन सो यहां पे प्रोटीन के केस में क्या होता है के केस में वी आर ओनली वन प्रोटॉन एंड जीरो न्यूट्रॉन इन द केस ऑफ हाइड्रोजन तीनों के तीनों हम बात कर रहे हैं देर आर ऑल नंबर ऑफ बिकॉज़ यहां पे एलिमेंट सेम है और जब भी एलिमेंट सेम होता है तो प्रोटॉन्स हमेशा सेम रहेंगे इज वॉट वी रिमेम्बर नॉ इन केस ऑफ ड्यूटीरियम वन प्रोटोन एंड वन न्यूट्रॉन ठीक है एंड वेन वी अगर टॉक अबाउट प्रीतिम

जो तुमने नंबर बताया वो थोड़ा सा क्लोज है बट येयर द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन नहीं होगा नाइंटी नाइन पॉइंट नाइन एट परसेंट इज गन बी करेक्ट आंसर इज वॉट यू गाइज रिमेंबर ठीक है ट्री टीम के बारे में बात करें नेग्लिजिबली अवेलेबल जस्ट बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी ड्यूटीरियम के बारे में बात करें इट इज अराउंड ठीक है जीरो पॉइंट कुछ इतना होता है सो यस नाउ लेट्स मूव अड टू वर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन बट उससे पहले उससे पहले लीडर बोर्ड नहीं काम करता हूं क्वेश्चन दिखा देता हूं सोचने का टाइम मिलेगा फिर देखते हैं हम लीडर बोर्ड यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट हाइड्रोजन इज अवॉल्व बाई दायल्यूट एच एन ओ थ्री इन द केस ऑफ आयरन मैग्नीशियम और मैंगनीस कॉपर और एल्यूमिनियम लेट्स सी कितने स्टूडेंट्स कर सकते हैं बार उससे पहले लीड बोर्ड सो लेट्स हैव बोर्ड ओके सो एनिह पहले क्वेश्चन में पता चल जाता है अंकित टॉप

तो अल्टीमेटली मैं मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को लोकेट कर पाऊंगा चैट पे ही। चलो सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन सो द नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से आ जाए मैं हट रहा हूं स्क्रीन से ताकि आप क्वेश्चन को रीड कर सको यूट्यूब पे भी तो दोस्तों ज्वाइनिंग फाइव जीरो टू सेवन सेवन थ्री इज गन विधि हाइड्रोजन इज अवॉल्व बाई द एक्शन ऑफ डायल्यूट एच एन ओ थ्री ऑन आयरन मैंगनीज एंड मैग्नीशियम कॉपर एंड एलुम और एलुमिनियम फोर ऑप्शन बस टाइम अप खत्म हुआ ओवर हेयर ट्वेंटी नाइन स्टूडेंट्स मेजोरिटी ऑफ द क्लास इज गिविंग मी द करेक्ट आंसर आई आई एम आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ऑल my minions. So over here, समर्थ कह रहे हैं सर लास्ट गलती से मिस्टेक ठीक है चलो कोई बात नहीं जितने स्टूडेंट्स जितने स्टूडेंट्स ने इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर क्विज में मिसक्लिक किया है कुछ भी तो बस आप लोगों ने लिखना है चैट पे गलती से मिस्टेक ठीक है सो नाउ ओवर हियर लेट्स टॉक अबाउट हाउ बी द गन आंसर सो ओवर हियर यस मैग्नीशियम एंड मैंगनीज सो ओवर हियर व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज वेन एवर यू सी मैग्नीशियम रिएक्टिंग विद टू मोल्स ऑफ एच एन ओ थ्री यहां पर ध्यान रखना

माइनस ठीक है एंड एच प्लस क्योंकि निकल गया एंड वट्स गोना हैपन एक लोन पेयर बचा था नाइट्रोजन के पास पर ऑक्सीजन आया रोता रोता और वो रोता रोता क्यों आया बिकॉज यहां पे इस ऑक्सीजन के पास थे सिर्फ सिक्स इलेक्ट्रॉन वैलेंस टोटल कितने चाहिए होते हैं एट पर इस नाइट्रोजन ने क्या कहा कि मैं और नहीं बनाऊंगा मैं और ज्यादा कोवल बॉन्ड बना ही नहीं सकता मेरे पास वेकेंट डी और है ही नहीं मेरे पास तो टू पी के आगे थ्री एस आता है तो यहां पे नाइट्रोजन ने क्या किया चल कोई बात नहीं यार तू दोस्त है तू लोन पेयर को ले ले ठीक है दिस इज इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड व्हाट वी हैव टू रिमेंबर यहां पे है डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन यहां पे है सिंगल बॉन्ड सो तीन तरीके की वैरायटी दिख रही है हमारे को बट यस yes, यहां पे हाइड्रोजन एच प्लस जब निकल जाएगा तो ऐसे पर्टिकुलर दो आय दो एनायस रहेंगे

राइट सो यहां पे व्हाट वी एबल टू सी मैंगनीज ने बना लिया है घर अपना एन थ्री के साथ बट अगेन हाइड्रोजन को क्या कहा हाइड्रोजन को मैंगनीज ने एंड मैग्नीशियम ने इस क्वेश्चन में क्या कहा ये आप लोगों ने लिखना है चैट में सो ओवर हियर लेट्स सी कि आप लोग चैट में लिखते हो कि नहीं बट एनी हाउ मैं बता देता हूं चैट मुझे थोड़ी सी स्लो लग रही है स्लो एज एन मैं जब आपको कुछ कहता हूं तो एक दो सेकंड लगते हैं उसको आने में बट स्माइलीज बढ़ाओ चलो सो लेट्स मूव टूवर्ड्स इन सॉलिड हाइड्रोजन सोलड हाइड्रोजनोलिकुलर बॉन्डिंग इज इन सॉलिड हाइड्रोजन द इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग इज ठीक है सुना फोर ऑप्शन है आयनिक वैंडरवॉल मेटालिक एंड कोवल लेट्स सी कितने स्टूडेंट्स देंगे करेक्ट आंसर पर उससे पहले बोर्ड सो यस वी आर एबल टू सी अभी यहां पे मुझे लग रहा है अंकित ही रहेगा टॉप पे अंकित गन बी द टॉप थोड़ी सी बदला बदली यहां पर मेजेंड सिद्धार्थ विदिता अंजलि बी एस ए टू थाउजेंड एंड फोर सोनल रसग् एंड नोहित सिंह चौहान दैट्स ग्रेट सुनाओ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू Those who are joining just now, you can participate in this menti quiz by using the Menti code 502773. In the case of solid hydrogen, the intermolecular bonding is. And you have three, two, and one. Time is over. Let's see. कितने स्टूडेंट्स दे रहे हैं मुझे करेक्ट आंसर पर यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है पर यहाँ पे ये आयनिक और ये कोवलेंट क्यों हम बात कर रहे हैं इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग की हम बात कर रहे हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन यू नो नॉट हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग की तो यहां पे देख लेते हैं कि इंटरमोलिकुलर क्या रहेगा सो ओवर हियर लेट्स गो टूवर्ड्स द सॉल्यूशन जब भी हम बात करेंगे हाइड्रोजन की हाइड्रोजन गैस मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मतलब डाई हाइड्रोजन सो वी ऑलवेज राइट दिस वील एच टू है कि नहीं इसमें क्या होता है वन हाइड्रोजन एटम इज अटैच विद अनदर हाइड्रोजन एटम और यहां पे बॉन्ड ऑर्डर इन 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 दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज गोना बी वन यहां पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है वन बट यहां पे अब क्या करना है यहां पे ये हुआ एक मॉलिक्यूल अब ऐसे और भी होंगे सो so इसको लग देते हैं लेट्स से एवोगाड्रो नंबर बहुत सारे बहुत सारे ठीक है एवोकेटर नंबर गिनते रहो सो so यहां पे अब अगर ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे चाहे हमारे पास गैस हो चाहे हमारे पास लिक्विड हो चाहे हमारे पास सॉलिड हो इनके बीच में सिर्फ क्या होने वाला है वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीडब्ल्यू एफ वी वैन डब्ल्यू मीन वैंडर यस वॉल वॉल एंड

कौन सा स्टूडेंट मुझे चैट में भी आंसर करेक्ट देगा नेक्स्ट क्वेश्चन बट यस उससे पहले लीडरबोर्ड अब एंड अंकित ने ये क्वेश्चन को नहीं किया अंकित को मार्क्स नहीं मिले इस क्वेश्चन में बिकॉज शायद से गलत हुआ सो अश्वनी, गौरव गौरव इज द फास्टेस्ट वन ओवर हियर एंड देन वी हैव अंजलि बीएसए, विकास, एफ अकेडमी फिजिक्स वाला गैंग एंड यो योर रूपेश एंड सही एंड अंकित कुमार सिंह जेई आई आई टी चलो पूरा का पूरा एड्रेस लिख दिया है अंकित कुमार ने यहां पर लेट्स मूव टू टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन द लाइटेस्ट गैस इज नाइट्रोजन हीलियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ओवर हेयर अगर इन्हीं में इनमें से किसी का भी मॉलिक्यूल बनता है यू डू हैव टू सी मॉलिकुलर मास जिसका मॉलिक्यूल नहीं बनता उसका देखेंगे एटॉमिक मास एंड ओवर हेयर यस यहाँ पे हम बात कर ही रहे हैं जब हाइड्रोजन के चैप्टर के बारे में तो यहाँ पे इस चैप्टर में हीरो ही कौन होगा इस चैप्टर का हीरो है ही हाइड्रोजन लेट्स सी ये बाकी के स्टूडेंट्स गलत क्यों कर रहे हैं वाई आर यू गिविंग मी द लाइटेस्ट गैस विच इजियम एंड ये ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के लिए टू स्टूडेंट्स हैं और नाइट्रोजन के लिए वन सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि ऐसा कौन सा लॉजिक लगाया कि जो इतने गलत हो गए ऐसा कौन सा लॉजिक लगाया कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को चूज करना पड़ा ओवर हाइड्रोजन आई वुड लाइक टू नो सुनाड्स सोल्यूशन बहुत ईजी सा है बिकॉज इन द केस ऑफ हाइड्रोजन इफ यून टॉक अबाउटिकुलर मास वन एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन ऐटम ऑफ हाइड्रोजन दुलर मास यूनिट है ना ओवर इन द केस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन केव ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वन ऑक्सीजन हैजिकुलर मास यहां पर इसका कितना ए एमयू डालू उट नाइट्रोजन बी टू नाइट्रोजन आइटम्स बिटवीन दम तो यहाँ पे आई एम एबल टू सी द चैट लॉल किस बारे में चल रहा है कौन सा मजाक हो रहा है चैट पे लगता है कुछ मिस कर दिया सो ओवर हेयर जयप्रकाश सेंगल से मिस्टेक गलती से मिस्टेक तो हुआ है पर जानना जरूरी है कि नाइट्रोजन आंसर दिया था या ऑक्सीजन सो डू लेट मी नो ओवर लोगों को यह पढ़ा चुका हूं प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लेना एनी हाउ जैसे ही मैं इस कोर्स को खत्म करने वाला हूं डेफिनेटली वी आर बी कमिंग रिवीजन सो डू नॉट वरी अबाउट इट सो यस ओवर वेन गोना टॉक अबाउट ईच ऑक्सीजन एटम यहां 16

ठीक है सो नाउ लेट्स मूव टू वर्ड्स चेंज हो जास देंटी लीड अ बोर्ड सो यस ओवर हेयर आई एम एबल टू सी सभी ने आंसर किया है सभी सही रहे हैं टॉप पे गौरव ही रहेगा यस ओनली रुपेश एंड योयो का सींग चेंज हुआ है नमन बी नमन क्लास नाइन्थ बींग द फास्टेस्ट वन ओवर ह्यू सो यस नमन हैज हैजॉइन द लीडर बोर्ड Let's move towards the next question. Para hydrogen is para -hydrogen is less stable than ortho hydrogen more stable than ortho hydrogen as stable as ortho hydrogen and none of the above.

सो so, यहां पे पर वेनोविक टॉक अबाउट हाइड्रोजन ये एक एटम हुआ ठीक है दिस इज वन एटम ये हुआ न्यूक्लियस ठीक है एंड वी हैव अनदर हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में क्या है एक बॉन्ड बट बॉन्ड नहीं दिखाएंगे यहां पे यहां पे सिर्फ हम बात करेंगे प्रोटॉन्स के बारे में यस yes, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन अब यहां पे होना क्या वाला है यहां पे वी वेनोविक टॉक अबाउट पैरा यहां पे जो स्पिन होता है वो होता है हमेशा ऑपोजिट सो इफ प्रोटॉन वन इज यू नो स्पिनिंग Anti-clockwise, then one is going to spin clockwise. That's what is para. And when we're going to talk about the ortho, they are spinning in the same direction. So the proton of the one hydrogen, if it is spinning in the clockwise direction, then in the second atom as well, it is going to, you know, spin in the clockwise direction as well. अगर एक एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज ही होगा इज वट यू हैव टू रिमेंबर ठीक है विद दिस दिस लेट्स लेट्स मूव नेक्स्ट वन वन बट बिफोर गेट लीड बोर्ड एंड फॉर फोर दो मिस क्लिक हुआ कायरा इट्स ओके डोंट वरी क्लियर बैकलॉग बैकलॉग को क्लियर करने के लिए डोंट वरी आई एम अगेन बी ब्रिंगिंग अप सेशंस सो डू नॉट वरी अबाउट ठीक है सो नाउ ओवर आई एम एबल टू सी अश्वनी गौरव बी एस ए विकास नमन बहुत ऊपर आ गया है अंजलि नोहित एंड वी हैव फन अकेडमी एंड वी हैव रुपेश एंड वी हैव यो यो चलो हैव द क्वेश्चन नंबर लेट्स करेक्ट आंसर अटोमिक हाइड्रोजन इज ऑपटेन बाय अटोमिक हाइड्रोजन इज ऑपटेन बाय सो ओवर हेयर वट वी आर एबल टू सी येस द टाइम इज आप ओवर हेयर आई एम एबल टू सी वेरी फ्यू ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर दैट्स टोटली फाइन बिकॉज एनी हाउ ये टॉपिक थोड़ा सा टर्की है सो लेट्स लर्न वट इज कन सो वेन एवर यूक अबाउटिक हाइड्रोजन इजो यू नोटेन बाई तो अटोमिक हाइड्रोजन होता क्या अटोमिक हाइड्रोजन कुछ नहीं होता सिर्फ एक एटम होता है सो इफ यू कैन टॉक अबाउट लेट्स हमारे पास है एच टू इधर से हमारे को क्या करना है इधर से हमें करना है टू एच बनाना है दिस ओवर इज हाइड्रोजन राइट और इसको कैसे किया जाता है? मतलब ज़्यादा तेज ज्यादा जोर का झटका नहीं धीरे से लगाना है ओवर हेयर थ्रू हाइड्रोजन हाइड्रोजन मतलब डाई हाइड्रोजन एट लो प्रेशर एट लो प्रेशर एट लो प्रेशर मतलब जैसे ही हमने हरकत करी तो ये जो दोनों हाइड्रोजन आइटम्स हैं ये दूर जा सके ठीक है इफ यू हैव टू मच प्रेशर देन अल्टीमेटली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आइटम के पास स्पेस वैसे ही बहुत कम रहेगी और ये दोनों फिर से वापस बॉन्ड बना सकते हैं सो लो प्रेशर के अंदर हम करेंगे क्या हमें हम चाहते हैं कि जितने भी एटम्स बने जितने भी आइटम्स मोलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर रहे लो प्रेशर सिस्टम यही तो होता है ना सो हें वी आर बी एबल टू मेक डाई गेक दटोमिक हाइड्रोजन हो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोजन ऑप्टेन्ड ऑन प्लेडियम इज नोन एज अटोमिक नेसेंट ऑक्लूडेड और हेवी सो इसमें से आप लोगों को समझना है कि कौन सा आंसर सही होने वाला है लेट्स मूव टूवर्ड्स द लीडर बोर्ड इज देर अ लैब बिटवीन क्वेज एंड क्लास आई रोट थिंक सो ज्यादा नहीं होगा वेरी फ्यू सेकेंड्स वेरी फ्यू सेकेंड्स फट से कर लेना दो हजार चार सबसे टॉप पे आ चुका है अश्वनी गौरव नमन विकास रूपेश सहिति अंजलि विधि एंड नोहित बींग लीडर बोर्ड बट अभी तक जितने स्टूडेंट्स लीडर बोर्ड पर नहीं आए हैं आप लोगों ने मुझे अभी तक अपनी रैंक्स बताई ही नहीं अच्छा तो आपने क्या करना है स्टार्टिंग की जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो रैंक आई थी और जो अभी जिस रैंक पे हो वो लिखो सो so पहले लिखो कौन सी रैंक थी और अब कौन सी रैंक पे हो डू लेट मी नो सो ओवर हियर वी आर बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन हाइड्रोजन ऑप्टेन ऑन प्लेडियम इज नोन एज याद रहे प्लाडियम जो है वो है एक मेटल So, कौन सी टर्म यहां पे यूज होने वाली है फॉर हाइड्रोजन एटॉमिक नेसेंट ऑक्लूडेड या हेवी एंड ओवर हियर आई एम यू डि सी ओवर हियर 14 स्टूडेंट्स आर राइट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स स्टूडेंट आर राइट नाउ इन द सेशन आर डूइंग इट रॉन्ग

ठीक है लेट्स ए गोड कुछ भी सुनाओ ओवर हेयर वेन एवर यू गैन हैव एच टू गैस विच आई एम गना मेक इट एज सर्कल ठीक है तो मैं यहां पे जो ड्राइंग बनाऊंगा यहां पे सर्कल जो होगा वो होगा एच टू गैस वेन दी एच टू गैस स्टिक्स गेट्स एब्सॉर्ब एज वेल एब्सॉर्ब कह सकते हो वेन एवर दीज पर्टिकुलर एच टू

और सबसे पहले यहां समझी देन यू डू हैव टू गिव मी अ यो ऑन द चैट सो लेट्स सी कितने स्टूडेंट्स ने आज ऑक्लूजन को समझा ठीक है सुना हम पीछे चले थोड़ा सा ओवर अगर हम बात करें हाइड्रोजन के बारे में या अगर हम बात करें नेसेंट हाइड्रोजन के बारे में देन लेट्स सी व्हाट्स द डिफरेंस यहां पे अगर हम हाइड्रोजन अटोमिक हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं इट इज एच यहां पे इसका है एक इलेक्ट्रॉन ठीक है एंड वेन वी गोना टॉक अबाउट द नेसेंट हाइड्रोजन एज वेल दिस इज ऑल्सो दटॉमिक हाइड्रोजन ओनली द ओनली डिफरेंस इज जब हम नेट हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं इट इजिंग द ने हाइड्रोजनिंग मोर एनर्जी जब भी हम बात करेंगे नेसेंट हाइड्रोजन के बारे में इट एक्चुअली हैज मोर एनर्जी हैं क्या फर्क पड़ेगा वो भी हम आगे

Rasagnya, yes, Rasagnya, welcome back to the leaderboard, Sahiti and Anjali. So, now, question. For those who are just joining right now, though the Menti quiz is about to get ended, but anyhow, you can just use the Menti code 502773 to get into the quiz. And you still have almost 18 seconds. Nascent hydrogen consists of थ्री टू एंड वन टाइम अप लेट्स हाउ मिनिफ यू आर गिविंग करेक्ट आंसर स्टिल ऐसे स्टूडेंट्स क्यों कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो स्टूडेंट्स रहते हैं जो सिर्फ आते हैं मस्ती करने के लिए और मस्ती बहुत जरूरी है मैं वैसे ही खुद से ही एक बहुत मस्ती को स्टूडेंट था बट टू बी और टू हैव एन एक्स्ट्रा एज मस्ती के साथ साथ थोड़ा टीचर को सुन भी लेना चाहिए ठीक है सो यहाँ पे वी आर गना बी गेटिंग इन टू द सोल्यूशन तो यहां पे देख लेते हैं वाई हाइड्रोजन आइटम एक्सेस एनर्जी इज़ बी बहुत ही सा है क्योंकि हम एक टर्म को डिफाइन कर रहे हैं टर्म होती क्या और टर्म किसी ने कर रखी है right? तो इसमें लगाने का कोई नहीं, यहां पे दूसरी कहानी ये है कि हाइड्रोजन जो है वो एटम होना चाहिए ठीक है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल नॉट बी कंसिडर्ड नेसेंट हाइड्रोजन ठीक है So, यहाँ पे एक्सेस एनर्जी का कोई रोल ही नहीं है बिकॉज एनी टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल है तो नेसेंट हाइड्रोजन के बारे में बात ही नहीं कर सकते। अब यहां वन इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर बना दिया डॉट से अब इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए लेट से इफ दिस एक्सिस दिस इज दाइज ठीक है एंड ऑन एक्सेस आई एम मेकिंग अप एनर्जी ठीक है सो so, यहां पे अगर हम बात करेंगे कि नेसेंट हाइड्रोजन के बारे में उसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी एक अटोमिक हाइड्रोजन से जो कि वो सेम दिखता है सो so, इसकी एनर्जी इसकी एनर्जी समवेयर इज वट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन ओवर हेयर इज अटोमिक हाइड्रोजन एंड दिस वन ओवर इज

मोस्ट रिएक्टिव स्टेट ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात हो रही है ठीक है? है, पे गौरव the legend छोड़ चुका है, रुपेश, नमन नोहित no गलत हो गया कोई बात नहीं सो हैव बीएसएस स्टिल एट हैकिंग चल रही है तो बता दो मुझे क्योंकि यहां पे लीड जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पकड़ी हुई है बीएसएन ओके अश्विनी विकास गौरव स्टिल देर रुपेश रसज्ञ नमन विधि अर्जुन एंड नोहित लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन बट एनी हाउ मुझे जानना है बी एस ए कौन सी हैकिंग है जल्दी से बताओ चैट पे एंड बाय द वे रैंक्स क्या रही बाकी स्टूडेंट्स की डू लेट मी नो इन द चैट एंड यू स्टिल हैव ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट टेन नाइन एट सेवन सिक्स थ्री टू एंड लेट्स मी द करेक्ट आंसर बाकी के स्टूडेंट लेट्स लर्न विच वन इज गोर रिएक्टिव एंड विच वन इज गटिव चलेंगे उसी पुराने वाले डायग्राम पे जो मैंने नेसेंट हाइड्रोजन एंड अटोमिक हाइड्रोजन के बारे में बनाया था ठीक है सो so, सो यहां यहां पे पे लेट्स मूव हाइड्रोजन इज बी मोर देखो जब हम बात करेंगे एनर्जी की तो मैंने आपको क्या बताया हाइड्रोजन कौन से हाइड्रोजन की ज्यादा एनर्जी होगी अटोमिक की या नेसेंट की ज्यादा एनर्जी होने वाली है नेसेंट हाइड्रोजन की तो यहां पे मैं बस लिख रहा हूं ये डॉट जो है इलेक्ट्रॉन के लिए है ठीक है यहां पे यहां पर मैं बड़े सी डॉट बना देता हूं ठीक है एंड यहां पे दिस इज बी दी नेसेंट हाइड्रोजन एनर्जी लेवल थोड़ा ज़्यादा अब यहाँ पे अगर मैं एनर्जी लेवल थोड़ी कम बना रहा हूँ आई एम मेकिंग अप अगेन एन अटोमिक हाइड्रोजन ए एच लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में अब अगर हमारे पास इस लेवल पे लोअर एनर्जी पे दो हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल होंगे एनर्जी बहुत कम है एनर्जी बहुत कम है तो ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट जल्दी कर सकते हैं राइट right? बट अगर यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा है मतलब दो पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम्स तो अवेलेबल है ही हैं बट किसी ने उनको तवे पे रख दिया हीट प्रोवाइड हो रही है कुछ भी हो सकती है ये एनर्जी जो एक्सेस आई इन दोनों बेचारे एटम्स के पास वो किसी भी तरीके से आ सकती है चाहे रेडिएशन हो चाहे डायरेक्ट हीट हो बट अगर यहां पे इन दोनों के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी वैसे ही अवेलेबल है तो ये अलग अलग रह सकते हैं बिकॉज पास आने का गाइस हमेशा याद रखना पास आने का एक ही रोल होना चाहिए एक ही मकसद होना चाहिए और वो है स्टेबिलिटी एंड याद रहे हमेशा सारे मेरे पुराने स्टूडेंट्स जानते हैं स्टेबिलिटी इज ऑलवेज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ठीक है ना सो स्टेबिलिटी इज इनवर्सनलीपोर्शन टू एनर्जी जहां पे एनर्जी होगी कम वहां पे स्टेबिलिटी होगी ज्यादा एंड यहां पे ये दोनों अगर रिएक्ट कर जाएंगे तो स्टेबिलिटी वैसे ही थोड़ी ज्यादा रहेगी बट अगर ये दोनों करते हैं नॉट अ चांस इज वॉट हैव टू रिमेंबर ठीक है सो नाउ लेट सी हाउ मेनी ऑफ यू आर गिविंग मी स्माइलीज ओवर हियर सुमित कुमार सैनी ने एक सैड स्माइली भेजी है क्या हुआ डू लेट मी नो एंड लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन ज बी दास्ट क्वेश्चन गाइज सो फटाफट से देखते हैं इसको कौन जीतेगा इस क्वेश्चन के लिए मैं लीडर बोर्ड दिखाने वाला हूं क्लास के एंड में ठीक है हम बात करेंगे और भी कुछ छोटी मोटी चीजों की सो स्टेट यून विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैनॉट एब्जॉर्ब हाइड्रोजन प्लेटिनियम एल्यूमिनियम निकल कोबॉल्ट जो स्टूडेंट थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट होगा और शी वु चूज दउट ऑप्शन कौन सा है कम ऑन एंड येक्ट आंसर है जितने भी स्टूडेंट हैं क्यों किया गलत लेट्स लर्न ओवर सो नाउ यहाँ पेन एवर यू टॉक अबाउट गिमी सेकंड लीडर बोर्ड को दिखाना है सबसे लास्ट में सस्पेंस बना के रखना चाहिए राइट सो ओवर टॉक अबाउट एल्यूमिनियम निकल एंड कोबॉल्ट यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स ने गलती से मिस्टेक किया है या जान बुझ के समझ में आया क्यों है बिकॉज टॉक अबाउट ऑप्शन ए बी बी सी और डी के बारे में बात हम बाद में करेंगे ऑल ऑफ दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स और जब हम बात करें एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम एज वे मच रियक्टिव वेन कंपेयर टू ऑल ऑफ दीज अदर्स सो हेंस एनी हाउ एल्यूमिनियम के साथ हाइड्रोजन का स्टोर होना उतना ज्यादा फिजिबल नहीं है जितना हाइड्रोजन प्लेडियम निकल या कुबॉल्ड के साथ सेफ महसूस करेगा सो ओवर वे नो वी टॉक अबाउट हाइड्रोजन जस्ट गेटिंग देन हाइड्रोजन विल बी एबल टू गेट एब्जॉर्ब इन द इंडस्ट्रीशल स्पेसिस ऑफ दीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम दैट्स नॉट हैपन ठीक है सो गो ओवर एल्यूमिनियम इज बी द करेक्ट आंसर एनी हाउ ऑड वन आउट कौन सा है बी ठीक है चलो सो ओवर हेयर बिफोर वी शो बिफोर वी सी दीडर बोर्ड लेट्स टॉक अबाउट फ्यू मोर थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल एलुमिनियम करेक्ट आंसर एंड जितने स्टूडेंट्स पिछली क्लासेस को मिस करते आ रहे हैं यू शुड रिमेंबर जीत लॉ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के नाम से सीरीज बनी हुई है मैं पर्सनली यहां पर उन स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री ला रहा हूँ आसान करके ला रहा हूँ जो स्टूडेंट्स अभी क्लास इलेवेंथ में है ठीक है क्लास इलेवेंथ में जब भी आप आते हो थोड़ी थोड़ी चीजें टफ हो जाती हैं तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए सारे के सारे लेक्चर्स ला रहा हूं तो यहां पे जरूर देख लेना बाकी चैप्टर्स को भी जो मिस कर रखे ठीक है सो लेट्स टॉक अबाउट मैटर्स लेट्स टॉक अबाउट मोल कॉन्सेप्ट लेट्स टॉक अबाउट देन अटोमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग मोल कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग हो गया देन रेडॉक्स रिएक्शन गेशियस स्टेट्स थर्मोडानेमिक्स

सारी चीजें नहीं बोलने वाला सारी चीजें आप लोगों को वैसे ही लिंक में मिलेंगी जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है सो डू रिमेंबर यहां पे करना क्या है यहां पे समझना क्या है फर्स्ट एंड द फोमस थिंग जो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो कहीं पर भी नहीं है वो है पेटेंटेड वेव प्लेटफॉर्म इस पे इस पेटेंटेड वेव प्लेटफॉर्म पर यू शुड रिमेंबर द टाइप ऑफ इंटरक्शन द टाइप ऑफ Animations, the type of GIF and the type of teaching has no competition. ठीक है? So do remember this. यहाँ पे patented wave platform is gonna be there for your learning. Yes, इसी पे पढ़ाई होगी. We're gonna have interact interactive teaching style. We are gonna be giving you fun visualizations, quizzes and leaderboards. तो जैसे ही मेंटी quiz की है ना, क्वेज़, leaderboard, जो जो पढ़ाई की थी, वो सब वहाँ पे. ठीक है? So बहुत सारी मेंटी क्विज़ेज़ होने वाली हैं, सेशंस के अंदर भी. टेस्ट सीरीज एनालिसिस ना हफ्ते में एक बार या दो हफ्ते में एक बार होती रहती है well. फटा करो, ताकि आप वो टेस्ट ले सको हर हफ्ते या हर दो हफ्ते में एक बार असाइनमेंट एंड नोट्स दो हफ्ते में एक बार क्यों काम है हो सकता है आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा लंबा हो लंबा चैप्टर हो इसीलिए ठीक है सो डू नॉट वरी अबाउट इट नाउ लेट्स अबाउट असाइनमेंट्स एंड नोट्स

इतने टेस्ट और असाइनमेंट होने वाले हैं आपको कोई रेफरेंस बुक्स यू नो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी द मटीरियल दैट वी अगर प्रोवाइड ऑन वेदांतु प्लेटफॉर्म इज बी इनफ ठीक है सो फॉर आर बी यू नो इन क्लास क्लास के स्टूडेंट्स जो जेई देंगे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में वी हैव वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ एंड ट्वेल्व मंथ ऑफ सब्सक्रिप्शन सो याद रहे यू डू हैव टू यूज अ कूपन कोड विच इज गन बी एल वी पी आर ओ टू गेट योर मैक्सिमम डिस्काउंट ठीक है एल वी पी आर ओ कूपन कोड टू गेट राइट मैक्उंट प्रेजेंट इन क्लास ट्वेल्थ जो देंगे जे मेन्स टू थाउजेंड ट्वेंटी अगेन सेम कूपन कोड बट ओनली अवेलेबल ऑप्शन आधा साल खत्म हो चुका है ऑल टाइम वेस्ट मत करो सो येस वन मंथ थ्री मंथ एंड सिक्स मंथ अगर आप वैसे ही सिक्स मंथस के ले जाओगे तो बाई योर सेल्फ यू सेनी हाउ एल वी विच कहीं ना कहीं मेरे नाम से जुड़ा है ना सो यस एल वी पी आर ओ इन गिव यू द मैक्सिम डिस्काउंट याद रहे इन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में एंड वो है लेट्स टॉक अबाउट द ड्रॉपर्स ड्रॉपर्स बहुत जरूरी है इस बारी का आप लोगों ने रिजल्ट देख लिया है वेदांतों से स यू डू रिमेंबर ड्रॉपर्स के लिए भी थ्री पैकेजेस अवेलेबल है सेम कूपन कोउ विच इज एल टू गेट यू मैक्सिमम डिस्काउंट ठीक है सो एनी हाउ बिकॉज एनी हाउ यू शू रिमेम्बर इन कोर्सेस के अंदर ड्रॉपर बैचेस को छोड़कर बाकी भी जो कोर्सेस है वहां पर मैं अवेलेबल हूँ कुछ कुछ बैचेस में सब में नहीं सो so, अगर आप लोगों को मेरी टीचिंग पसंद है सो यू कैन डेफिनेटली प्रो ताकि हम फिर कभी ना कभी पेड सेशन में भी मिलने वाले सो यस ओवर फॉर हु आर इंटरेस्टेड कैन चूज योर ग्रेड क्लास या इलेवें टारगेट जेई मेन्स एडवांस एंड नीट होते ना नीट वाले भी तो वो भी चूज कर सकते हैं एल वी पी आर ओ ठोक देना वहां पर भी कूपन कोड चल जाएगा सो ये गेट दब्सक्रिप्शन वन थ्री सिक्स ट्वेल्व पन कोड पहले डालना है एंड रोल लाउ एंड गेट ऑल द डिस्काउंट सो यस अगर समझ में आ गया डू राइट बल्ले बल्ले ऑन एंडोर वी मूव है मैथ्स सब्जेक्ट का अटैक होने वाला है इस पर्टिकुलर जई चैनल पे सो so याद रहे आप लोगों को स्टेट यून रहना है हम चार, चारों टीचर्स चारों मतलब

होप टू वेन राइट एंड यहां पर यू आर हैविंग रैंक नंबर वन ऐसा ही होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसा ही होता है आपने बस अपना बेस्ट देना है आप लोगों ने अपना बेस्ट देना है हो सकता है बाकी कहीं पकड़ छोड़ दें बट एनी हाउ यह कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है एंड आई एम श्योर जो स्टूडेंट्स फर्स्ट नहीं आ पाए दे कैन एट ट्राई हैोर एक्स्ट्रा मेरी क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करो एंड डेफिनेटली मेंटी क्विजेस और मजेदार हो जाएंगी है कि नहीं सो एनी हाउन अगेन मीट अगेन यस एनी हाउ वी कैन मीट अगेन सो टिल देन डू शेयरिंग माई वीडियोज डू शेयर माई वीडियो फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक तो ठोक दो ताकि मुझे और देख के लाइक्स को देख के थोड़ी सी थोड़ी सी मोटिवेशन यू नो थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिलती रहे ठीक है हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन के अंदर बट याद रहे कमेंट्स के अंदर आप अपने व्यूज एंड आइडियाज डाल सकते हैं I am gonna go through those views and comments regularly. Take care. So let's meet again. Till then, all the best. Take care and stay safe. Bye bye to everybody. Bye bye. Bye, Rupesh, Somit, Anjali, Siri, BSA. BSA, yes, you are second. That's a good one. I like the way you took the lead.